ये तमाम कलर्स जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाए हैं, तो स्टे ट्यून्ड मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक ठाक होंगे, हेल्थ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है बहुत ही मज़े की, बहुत ही दिलचस्प सी, और इसमें हम बनाएंगे मुख्तलिफ मुख्तलिफ नए प्यारे प्यारे कलर्स। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे कलर्स, ठीक है, हम इनको मिक्स मैच करेंगे और नए कलर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इसमें मैं भी बहुत सारे नए कलर्स के बारे में सीखूंगी और इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, तो स्टे ट्यून। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन कलर्स। ग्रीन कलर के दो शेड्स हैं, एक है लाइट ग्रीन और एक है थोड़ा डार्क ग्रीन। लाइट ग्रीन के लिए हमने येलो और ग्रीन को मिक्स करना है, दोनों का वन वन ड्रॉप मिक्स किया है और मेरे पास बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर बन गया है जिसको हम लीफ कलर भी बोलते हैं। और उसके बाद हम बनाएंगे अब थोड़ा सा डार्क ग्रीन, ठीक है। डार्क ग्रीन के लिए आपने क्या करना है, ब्लू और येलो कलर डाल देना है। आप सेम कलर के अंदर ही वो ज़्यादा ज़्यादा डालते रहते हो, वो इतना कलर भी ज़्यादा यूज़ होता है और वो क्रीम को भी पतला कर देता है जिसकी वजह से बिल्कुल अच्छा टेक्सचर नहीं आ पाता। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं तंग आके आखिर में मैंने कहा इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए भाई, ताकि हमारे लिए आसानी हो नए कलर्स बनाने में भी और कलर्स भी कम यूज़ हों और एक चीज़ भी अच्छी बन जाए। तो ये एक बहुत अच्छा सा एक और ग्रीन कलर बन गया। अब हम बनाएंगे वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के लिए आपने क्या करना है कि ब्लू और रेड कलर को आपने मिक्स करना है। उसको आप जब अच्छे से मिक्स करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी रेड की ज़्यादा रहेगी और ब्लू की कम रहेगी, तो वो आपके पास एक वॉयलेट कलर बन जाएगा। और जैसे कि आप नॉर्मल कलर्स में आपको बहुत ज़्यादा तादाद में कलर्स डालने पड़ते हैं। लास्ट में मैंने केक बनाया था एक ब्लैक कलर का, ब्लैक केक और बर्थडे केक था, और वो इतना मुझे उसमें मैंने तकरीबन अपनी हाफ बॉटल ज़ाया कर दी, लेकिन ब्लैक कलर नहीं एक्यूरेट आ पाया। वो हर तरह मेरी तरह जितने भी बिगनर्स हैं सबके लिए यही मसला होता है कि ये कलर क्यों नहीं आ पाता। तो फिर उससे उसके लिए ये एक अच्छी टेक्निक निकाली मैंने कि भाई कुछ ना कुछ मिक्स किया जाए और कुछ नया कलर बनाया जाए ताकि मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए भी आसानी हो। तो होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग गई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टिकटॉक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और चलो जी, अब नेक्स्ट कलर है। अब ये जो है मैंने वॉलेट के बाद एक लाइट ग्रे और एक थोड़ा सा डार्क ग्रे बनाया, ठीक है। कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जस्ट अपनी थोड़ी सी क्रीम को एक साइड पे लें और उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स ऐड करें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस कलर को डालने से मैं कौन सा नया कलर बना पा रही हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं ये जो कलर है यहाँ पर मैं पिंक कलर की तरफ जा रही हूँ, बेबी पिंक सा ये कलर बनेगा। इसमें रेड और पिंक जो है दोनों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाला और बड़ा प्यारा सा बेबी पिंक कलर बन गया। तो ये कलर्स बड़े मुश्किल हो जाते हैं आपको ढूंढने और बनाने, तो इस तरह से काफ़ी आपके लिए इजी होंगी और होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। तो ये अब मैंने जो है रेड के अंदर ब्राउन कलर को मिक्स किया है, तो मेरे पास जो है ये प्योर जिसे कहते हैं कि सही वो मिट्टी वाला कलर जो होता है ये वो कलर बन गया, ठीक है, और प्यारा कलर बन गया, क्योंकि ये आम आपको नॉर्मल रूटीन में आपको ये कलर्स नहीं मिल पा रहे होते। ये अब मैं थोड़ा सा जो है वो इसको आप कह सकते हो वॉयलेट और बड़ा ना फिरोजी का कोई एक ये टेक्सचर बनना था, ये बहुत ही खूबसूरत कलर बना। कलर्स को जैसे ही मैंने तकरीबन जो है वो 7 to 8 आवर्स का टाइम दिया ना, और रखने के बाद जो उनका कलर निकल के आया वो क्या कलर बने, क्या ही खूबसूरत कलर्स उनके आ गए और बहुत ही खूबसूरत कलर्स बन गए, ठीक है। तो होप सो आपको ये हेल्पफुल करेंगे। अब ये मैंने बना लिया है, इसी में मैंने ऑरेंज सा, ऑरेंज भी नहीं है ये पीची कलर है, ठीक है। ये आपको बेसिकली यहाँ पे ऑरेंज लग रहा है लेकिन ये बाद में पीच कलर में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे अब मैंने जो है वो बिल्कुल लाइट सा ग्रीन, बहुत ही लाइट शेड ऑफ अ ग्रीन का, आप इसको मेहंदी कलर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो कलर बना है ये मेहंदी कलर बन गया था। अब हम बना रहे हैं रेड कलर। रेड कलर के लिए आपने सिंपल, आप जब रेड कलर ऐड करते हो तो वो ना बहुत मतलब प्योर रेड नहीं आ पाता, वो पिंक कलर की शेड में चला जाता है। तो उसके अंदर आप जब पिंक कलर ऐड करोगे रेड के साथ तो वो शॉकिंग रेड कलर बन जाएगा। तो अब हम बनाएंगे अपना मोस्ट फेवरेट ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के लिए आपने क्या करना है, वन ड्रॉप आपने अगर लिया है इसका ब्लैक कलर का, तो उसके अंदर आपने तकरीबन 2 to 3 जो है मतलब 3 क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है रेड कलर की, तो वो जो उसको फिर इन्हेंस कर देता है ब्लैक को, प्योर ब्लैक कर देता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो के अंदर आपने 3 कलर्स देख लिए, एक आपने ग्रे देख लिया, एक आपने डार्क ग्रे देख लिया, एक आपने लाइट ग्रे और एक आपने ब्लैक कलर ओरिजिनल देख लिया। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।